नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुड़ी पड़वा के साथ भारतीय नव वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। चारों ओर वैश्विक महामारी से बचने की प्रार्थनाएं गुंजायमान है। इन प्रतिकूल हालातों के बीच भी लोगों की आस्था है कि अंततः प्रकृति और संस्कृति के हितैषी बनकर हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब रहेंगे। इस अवसर पर लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक त्रिपाठी क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप सभी को समय जगत और खबर समय जगत के सभी दर्शकों को वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक त्रिपाठी जी, जो हमसे साझा करेंगे। हमने जिन्हें अपने समय जगत के सारोकारों के बारे में भी अवगत कराया। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्ष प्रतिपदा पर समय जगत के सारोकारों के बारे में जो आपको बताया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बतलाया कि समाज और राष्ट्र के हित में समय जगत, लोक जागरण, जन जागरण की दृष्टि से इस भीषण महामारी काल में संस्कृति और स्वास्थ्य दोनों पर चिंता कर रहा है। 1,25,000 मास्क वितरण और स्वामी विवेकानंद जी के 11,000 स्मृति चिन्ह वितरण, यह बहुत वंदनीय और अनुकरणीय कार्य है। कोई भी संस्था हो, संगठन हो, व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ पुण्य अवसर पर संकल्पित होकर इस प्रकार के कार्य करना एक श्रेष्ठतम ईश्वरीय कार्य के समान है। मुझे लगता है कि समय जगत नहीं केवल अखबार या समाचार, इसके भी हैं सामाजिक सरोकार। ये पहल अन्य को भी आगे करना चाहिए। बाकी तो इस विषय में सबको सब ज्ञात है, चाहे हम भगवान राम का राज्याभिषेक कहें, चाहे सृष्टि की रचना का विषय कहें, चाहे युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक कहें, ढेरों प्रसंग जुड़े हुए हैं। और सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि का जलवायु परिवर्तन, एक प्रकार से जो यानी पाश्चात्य संस्कृति या गुलामी संस्कृतियों के कारण हम जिन चीज़ों पर चले गए, हम फिर उस दिशा में लौट रहे हैं। क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जिस समय से भगवान सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि भी बहुत प्रखरता से आती है, दिनों का भी बढ़ना शुरू होता है, नई फसलों का भी आगमन होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया, नवीन, नूतन राष्ट्र और समाज के हित में करना, राष्ट्र और समाज के हित से भी बढ़ के संस्कृति और प्रकृति के हित में करना, उसके लिए संकल्पित होना अपने अपने जीवन में लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने आसपास के लिए, वही इस वर्ष प्रतिपदा की श्रेष्ठतम सार्थकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नीमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।